प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि कल केंद्र सरकार से 9 लाख वैक्सीन प्राप्त हुई है, जिसके बाद विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों में भी टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। कल हमको 9 लाख वैक्सीन बहुत प्राप्त हुई है, जितना पूरे प्रदेश में वैक्सीन की वैक्सीनेशन गति आने संभावना है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों प्रकार की वैक्सीन हमें प्राप्त हुई है। हम भी ये चाहते हैं जल्दी से हमें जितनी जल्दी कोवैक्सीन प्राप्त हो, हम जल्दी जल्दी और कोविशील्ड जितनी वैक्सीन हमारी प्राप्त हो जाए हमको, तो जल्दी जल्दी वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करें और पूरा कम्प्लीट करें। माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय द्वारा भी यही कहा गया कि यदि वैक्सीन प्राप्त हो जाती है तो हम प्रदेश के अंदर अतिशीघ्र हम इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं। शिविर हमारे लगातार बढ़ते आते हैं, हमने एक बार 380 तक शिविर लगाए गए हैं, जिससे जितनी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होती है। आज भी हमारे लगभग 300 के आसपास हमारे जगह जगह वैक्सीन सेंटर चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करने की हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करें। जितनी वैक्सीन है समाप्त करने की हम चाहते हैं कि आज जितनी वैक्सीन प्राप्त उसको आज या कल में हम समाप्त करते हैं, जिससे और आए तो उसको आगे बढ़ाते जाएँ। निश्चित तौर से वैक्सीन का प्रोग्राम जल्दी जल्दी पूरी कम्प्लीट करना चाहते हैं।